बिग बॉस 12 बहुत ही रोमांचक हो चुका है। इस बार के बिग बॉस 12 ने हमें एक कपल नहीं बल्कि एक लव ट्रायंगल दे दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ दीपक ठाकुर, उर्वशी वानी और सोमी खान की। चलिए आपको शुरू से बताते हैं क्या हुआ। दीपक ठाकुर और उर्वशी वानी दोनों साथ में आए थे पार्टनर बन के। सभी को वो दोनों बहुत पसंद आए थे क्योंकि दोनों साथ ही में बहुत ही सीधे और प्यारे लग रहे थे। और यहाँ तक कि उर्वशी वानी ने अपने बिग बॉस इंट्रोडक्शन के वीडियो में ये तक कहा था कि वो दीपक ठाकुर को पसंद करती है और अगर शो में मौका मिले तो वो उन्हें जरूर ये बताएंगी। पर जैसे ही शो चालू हो गया और गेम आगे बढ़ने लगा, दोनों की दूरियां बहुत ही ज्यादा बढ़ती गई और दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा झगड़े भी होने लग गए। दोनों ने शो में आने के बाद ही दो बहुत ही अलग अलग रास्ते चुने और इसी तरह से दोनों अलग हो गए। और बात तो तब पूरी पलटी जब हमें पता चला दीपक ठाकुर सोमी खान को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सोमी खान ने सबसे पहले सृष्टि से बात करते हुए बताया था कि दीपक उन्हें देखते रहते हैं और उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती। और यही बात वीकेंड के वार में सलमान खान ने भी बाहर निकाली। ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सुरभि ने दीपक को कहा कि उन्हें अपनी फीलिंग्स अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए और उन्हें सोमी को सब बात बता देनी चाहिए। और दीपक ठाकुर ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी सारी दिल की बातें सोमी खान को बता दी, जो देखने में हम सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आया। पर सोमी खान ने दीपक ठाकुर का दिल तोड़ दिया और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त के नाते पसंद करती हूँ, अगर मेरी कोई बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सुंदर सुशील लड़की जरूर ढूंढूंगी। ये बात सुन के दीपक ठाकुर का मुंह बहुत ही छोटा हो गया और वो बहुत ही ज्यादा नाराज भी हो गए। इसी के साथ दीपक ठाकुर को ना ही उर्वशी वानी मिली और ना ही सोमी खान मिली। हम उम्मीद करते हैं उनको जल्द ही कोई अच्छी लड़की जरूर मिल जाएगी। बिग बॉस 12 की ऐसी मजेदार, मस्ती भरी और चौंका देने वाली खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फंडू कंटेंट को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।